उसके काम के बारे में बताऊंगा। इसे हेडस्टॉक कहते हैं। हेडस्टॉक में सभी गियर्स होते हैं जो मशीन्स को ऑपरेट करते हैं। इस पार्ट को चक कहते हैं, इस पार्ट को जॉज कहते हैं। ये जो चक हैं ये दो टाइप के होते हैं, थ्री जा चक और फोर जा चक। ये जो मशीन है ये फोर जा चक है, थ्री जा चक में थ्री जा होंगे। इस पार्ट को टूल पोस्ट कहते हैं, इस पार्ट को कंपाउंड रस्ट कहते हैं, इस पार्ट को क्रॉस लाइट और इस पार्ट को कैरिज कहते हैं। टूल पोस्ट का काम है ये सभी टाइप्स के टूल को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंपाउंड रस्ट, कंपाउंड रस्ट को किसी भी जॉब को अगर आपने एंगल देना है तो एंगल देने के लिए ये कंपाउंड रस्ट यूज़ किया जाता है। ये क्रॉस लाइट, क्रॉस लाइट को अगर आप किसी भी जॉब के एंड सरफेस को आप फिनिश करना चाहते हो तो क्रॉस लाइट को यूज़ करोगे। ये कैरिज, अगर आप कैरिज किसी भी जॉब के अपर सरफेस को आप फिनिश करना चाहते हो तो आप कैरिज को यूज़ करोगे। इस पार्ट को आप बेड कहते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, वी शेप बेड और फ्लैट बेड। ये जो बेड है वी शेप बेड है। इस पार्ट को टेल स्टॉक कहते हैं और इस पार्ट को बैरल कहते हैं। ये जो बैरल है ये किसी चीज़ में ड्रिल होल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस पार्ट को आप फीड रॉड कहते हैं। फीड रॉड को आप किसी भी थ्रेडिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस पार्ट को कोन पुली कहा जाता है, इस पार्ट को कोन पुली कहा जाता है। ये कोन पुली मशीन की स्पीड को मेंटेन करने के लिए काम किया जाता है। तो थैंक यू।